सियासी खींचतान के बीच आज सुबह 10 बजे गहलोत ने बुलाई विधायक दल की बैठक। पायलट समेत समर्थक विधायकों को न्योता। पायलट के समर्थक विधायकों का सामने आया पहला वीडियो, 30 विधायकों के साथ होने का दावा। गुरुग्राम के एक होटल में रह रहे हैं पायलट के समर्थक विधायक। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद होटल में शिफ्ट किए गए विधायक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधायकों को होटल शिफ्ट करने से पहले अशोक गहलोत का शक्ति प्रदर्शन। सीएम हाउस में मीडिया के सामने 109 एमएलए के साथ का दावा। शक्ति प्रदर्शन के वक्त अशोक गहलोत ने दिखाया विक्ट्री साइन। मौजूद रहे रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को कड़ा संदेश, प्रस्ताव पारित कर कहा पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर होगा एक्शन। जारी है सचिन पायलट से सुलह समझौते की कोशिश, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी कर रही हैं बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान के सामने सचिन पायलट ने रखी है शर्त, लेकिन पार्टी ने सुनाए पहले जयपुर लौटने के निर्देश। अपने करीबी 4 विधायकों के लिए मंत्री पद चाहते हैं सचिन पायलट, गृह और वित्त विभाग पर गड़ाई नजर। सचिन पायलट ने सुलह समझौते की खबरों को किया खारिज, कहा नहीं हुआ आलाकमान से कोई बातचीत, नहीं रखी गई कोई शर्त। संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत की करीबियों पर आयकर विभाग के छापे, दिल्ली और राजस्थान में कई जगह रेड। गहलोत की करीबी और ज्वेलर फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर आईटी का रेड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी। धर्मेंद्र राठौर के घर और दफ्तर पहुंची आयकर विभाग की टीम, सूत्रों के मुताबिक देश के बाहर किए गए ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछताछ। जिस होटल में रखे गए हैं विधायक वहां भी छापेमारी, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के दोस्त का है होटल। जयपुर में छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन, सुरजेवाला ने कहा बीजेपी की साजिश। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 8,78,000 के पार। देश भर में 24 घंटे में 500 मरीजों की मौत, अब तक 23,000 से ज्यादा संक्रमित गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में 2,61,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 10,482 की मौत। एक दिन में 6,400 से ज्यादा नए मामले, मुंबई में कुल केस 94,000 के पार। मुंबई में अब तक 5,300 लोगों की मौत, एक दिन में 47 ने गवाई जान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,300 से ज्यादा संक्रमित, राज्य मरीजों का आंकड़ा 1,42,000 के पार। दिल्ली में 1,13,000 से ज्यादा बीमार, 3,400 से ज्यादा ने गवाई जान। दिल्ली में रिकवरी रेट में सुधार, अब तक 80% से ज्यादा मरीज हुए ठीक, एक्टिव केस सिर्फ 19,000। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 38,000 के पार, 1,600 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, अब तक 955 मरीजों की मौत। गुजरात में 41,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 2,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन की सेहत में सुधार, दुआओं के लिए बिग बी ने शायराना अंदाज में कहा शुक्रिया। अभिषेक बच्चन की तबीयत पहले से बेहतर, बच्चन परिवार के संपर्क में आए 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव, सभी 14 दिन के लिए क्वारंटीन। देश भर में बिग बी की सलामती के लिए मांगी जा रही है दुआएं, मथुरा के गोपेश्वर में किया गया रुद्राभिषेक। मुंबई के डब्बा वालों ने अमिताभ के लिए की प्रार्थना, जल्द बेहतरी की मांगी दुआएं। वाराणसी में एक पान विक्रेता ने पेश की मिसाल, कोरोना काल में पीपी किट पहनकर बेच रहा है पान। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 10 दिन का लॉकडाउन, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया गया फैसला। गुजरात में संक्रमण में तेजी को लेकर सरकार सख्त, अहमदाबाद वडोदरा सूरत में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का संचालन बंद। ग्वालियर में आज शाम 7 बजे से फिर लॉकडाउन, कर्फ्यू की तर्ज पर होगी सख्ती, एक दिन में आए 191 केस। वाराणसी में 5 दिन तक 8 दिन का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते ग्राफ की वजह से शाम 4 बजे के बाद लागू होगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बच्चों के पेरेंट्स नाराज, बच्चों को सरदर्द और आंखों में जलन की शिकायत। कोरोना काल में कारोबार के अजीब तरीके, हैदराबाद में कफन की होम डिलीवरी शुरू। इंदौर के अस्पताल में लापरवाही के इम्तिहान, एक युवक का शव दूसरे के परिजनों को सौंपा, पुलिस पर शिकायत दर्ज। गुजरात से लगे राजस्थान के जलौर में बढ़े कोरोना के मामले, एक दिन में 95 नए मामले, सीमा को किया गया सील। 7 दिन की बच्ची की प्लाज्मा नहीं मिलने से मौत, प्लाज्मा ला रहे परिजनों की कार हो गई थी हादसे की शिकार। कोरोना काल में दिव्यांगों के लिए खुला रेस्टोरेंट मुश्किल में, कमाई नहीं होने से चलाना हुआ मुश्किल। सरगुजा में एक स्वास्थ्य कर्मी की लगन बनी मिसाल, 15 साल के से 6 किलोमीटर पैदल चलकर आदिवासियों तक पहुंचा रही हैं दवाएं। कोरोना के दौर में गुजरात में ओल्ड एज होम हुए फुल, इन्फेक्शन से बचने के लिए बुजुर्ग जाना चाहते हैं ओल्ड एज होम। अयोध्या में कोरोना से बचाव की मुहिम तेज, कई इलाकों में किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकार के घर गए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, परिजनों को मदद का दिया भरोसा। सासाराम में नहाने गए 3 बच्चे तालाब में डूबे, अचानक पानी बढ़ने से हुआ हादसा।
विशाखापट्टनम की फार्मा कंपनी में भीषण आग, कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, अगरतला में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रयागराज में कुछ मकानों को जबरन भगवा रंग में रंगा, पुलिस ने दर्ज की 2 FIR। राजस्थान सरकार पर सियासी संकट का गुस्सा, बीजेपी पर निकला। झालावाड़ में बीजेपी नेताओं ने के फूके गए पुतले। ग्रेटर नोएडा में लापता कारोबारी की हत्या, दोस्तों ने ही कत्ल करके लाश को नहर में फेंका। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ की घटना को लेकर दो पक्षों में विवाद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग हिरासत में। ड्रग्स की लत पूरी करने के लिए बन गया चोर, शातिर चोरों से कई दोपहिया बरामद। जोधपुर में हथियार तस्करी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी 2 गोलियां। विकास दुबे के सहयोगी अमर की पत्नी की होगी जेल से रिहाई, पुलिस ने माना जल्दबाजी में भेजा गया था जेल। मोतिहारी में भारी बारिश के चलते बूढ़ी गंडक नदी में उफान, कई गांव में घुसा पानी। प्रयागराज में बारिश के बाद गंगा यमुना का बढ़ा लेवल, नाविकों और आने वाले श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। गोपालगंज में बाढ़ से कई घर डूबे, नाव के जरिए ही आना जाना हो रहा है मुश्किल। सीतामढ़ी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हैदराबाद में लगातार बारिश से कई इलाकों में मुश्किल, उस्मानिया जनरल अस्पताल में भरा पानी। बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव राहत के लिए NDRF की 16 टीमें तैनात, PPE किट और आधुनिक उपकरणों के साथ तैनाती। किशनगंज में महानंदा और दूसरी नदियों का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी, टापू में तब्दील गांव। दरभंगा में लोगों को नाव का सहारा, स्कूल में भरा पानी, पुलिया और बांध की सुरक्षा के लिए JCB का इस्तेमाल। यूपी के श्रावस्ती में उफान पर है राप्ती नदी, आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं लोग। पंजाब के कई इलाकों में जोरदार बारिश, संगरूर में खेतों में भरा पानी, किसानों को भारी नुकसान। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में लखनऊ कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी नेता कल्याण सिंह हुए पेश। मुक्तसर में माफी कमेटी के कार्यक्रम में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, एक जगह पर सैकड़ों लोग हुए जमा। लॉकडाउन के बीच औरंगाबाद पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा, जरूरतमंद मरीजों को मुहैया कराए जा रहे हैं ऑटो। रायसेन के कई गांव में आज तक नहीं है सड़कें, स्कूल खुलने से पहले बैलगाड़ी में लाई जाती हैं किताबें। लखनऊ में मलियाबादी दशहरी की फसल को पहली बारिश ने किया तबाह, नहीं मिल सकती है सही कीमत। पुंछ में 3.5 महीने बाद मुसाफिरों के लिए खोले गए बस स्टैंड, निजी बसों को भी चलने की इजाजत। तेलंगाना में वारंगल हाईवे पर गांव वालों का प्रदर्शन, बसवापुर प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन, अब तक नहीं मिला मुआवजा। नासिक के देवलाली रिहायशी इलाके में घूमता देखा तेंदुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। कोट्टायम की बोट सेवा को रोका गया, इलाके के कंटेनमेंट जोन में आने के बाद किया गया फैसला। सारा अली खान का ड्राइवर को कोरोना, सारा ने ट्वीट करके बताया मेरी रिपोर्ट नेगेटिव पर घर में है आइसोलेट। रिलायंस की मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में सुजुकी लगाएगी प्लांट, पैनासोनिक और डेंसो भी कर चुकी है निवेश। रिलायंस के शेयर में जोरदार तेजी का सिलसिला जारी, पहली बार कंपनी ने पार की 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप का स्तर। लॉकडाउन के बावजूद APL अपोलो ने बेहतरीन नतीजों के सबको किया हैरान, बिक्री में 22%, मुनाफे में 61% का इजाफा। ट्राई ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के हाई स्पीड डेटा वाले प्लान पर लगाई रोक, केवल चुनिंदा ग्राहकों को हाई स्पीड देने के फैसले पर एतराज। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए अब देनी होगी फास्टैग की जानकारी, सरकार ने जारी किए निर्देश। वॉशिंगटन की फुटबॉल टीम रेडस्किन नाम को बदलेगी, नस्लीय जुड़ाव दिखने की वजह से स्पॉन्सर्स ने लिया फैसला। न्यूयॉर्क में रोड पर बने ब्लैक लाइव्स मैटर के म्यूरल को बिगाड़ने की कोशिश, किसी ने इस पर लाल पेंट डाला, ट्रंप टावर के पास बना है म्यूरल। कोरोना संकट के बीच फिर बेफिक्र दिखे राष्ट्रपति ट्रंप, वर्जीनिया में अपनी गोल्फ कार चलाकर पहुंचे गोल्फ कोर्स। अफगानिस्तान में कार बम धमाके के बाद तालिबान आतंकियों की सुरक्षा बलों से भिड़ंत, तस की मौत। फ्रांस के राष्ट्रपति राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आए नजर, मैक्रों ने की अपील, कोरोना के मद्देनजर सावधानी बरतें। बोलिविया में सेक्स वर्कर ने फिर से काम शुरू करने की इजाजत देने की मांग की, कोरोना से बचाव के लिए सेक्स वर्कर्स के संगठन ने दिए हैं कई सुझाव। न्यूयॉर्क में स्कूलों को दोबारा खोलने की तैयारी, गवर्नर ने जारी की गाइडलाइंस। रूस में लंबित किए गए एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, डोपिंग के नए विवाद सामने आने के बाद छोड़ी कुर्सी। हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून पर यूरोपीय यूनियन खफा, प्रतिरोधी उपाय करने का फैसला। कोरोना वायरस ने अभी नहीं बदला है स्वरूप, वैक्सीन बनाने में इससे होगी सहूलियत। ब्राजील में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 18,66,000 के पार पहुंची संख्या, 72,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील के राष्ट्रपति की पत्नी और 2 बेटियों की रिपोर्ट नेगेटिव, जायर बोल्सोनारो के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे परिवार का हुआ था टेस्ट। ब्राजील के रियो में समुद्री तटों पर जुट रही है भारी भीड़, कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं लोग।
रूस में 7,27,000 के ज्यादा संक्रमण, अब तक 11,355 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अर्जेंटीना में कोरोना महामारी की वजह से चरमरा गई स्वास्थ्य सेवाएं, नए अस्पताल बनाने में जुटी है सरकार। यूरोप में शुरू हो गए नेताओं के दौरे, ब्रिटेन पहुंचे फ्रांस के नवनियुक्त गृहमंत्री प्रीति पटेल से की मुलाकात। पोर्टो रिको में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, गुलामी के प्रतीकों को हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका के मिलिट्री शिप यूएसएस बॉनहोम रिचर्ड में भीषण आग, आगजनी में 20 नाविक घायल। फ्रांस में गेहूं के खेत में नजर आया क्रॉप सर्कल, देखने के लिए उमड़ी भीड़। चीन की बाढ़ में अब तक 140 की मौत, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।